वेलकम फ्रेंड्स, एसआरसी लर्निंग में आपका स्वागत है। C++ लैंग्वेज की सीरीज में आज हम ऑपरेटर्स ओवरलोडिंग के बारे में पढ़ेंगे। ये बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है, नया चैप्टर है जिसको आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। ऑपरेटर्स ओवरलोडिंग, इसको सिंपली समझने के लिए हमें ऑपरेटर्स और उसके फंक्शंस के बारे में पहले समझना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कि किन ऑपरेटर्स में किस तरीके की फंक्शनिंग हम करते हैं। जैसे हमारे पास कई सारे तरीके के ऑपरेटर्स होते हैं जो हमने सी लैंग्वेज में भी पढ़ा है, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर्स, है ना। तो जैसे अगर हमें दो वैल्यूज़ को प्लस करना है, ए प्लस बी करना है, ठीक है ना, तो ये चीज़ ए की वैल्यू और बी की जो भी वैल्यू होगी उनको ये प्लस करके इसका रिजल्ट, मान लीजिए हमने सी में कॉपी करवाना है तो सी में इसका रिजल्ट कॉपी हो जाएगा। ऐसे ही अगर हमें माइनस करना है, इंटू करना है या कोई अन्य ऑपरेशन करना है तो वो इजीली परफॉर्म हो जाएगा, है ना। अब हम बात कर रहे हैं कि ऑपरेटर्स को कैसे ओवरलोड किया जाए। मतलब ये आप देख रहे हैं प्लस जो काम कर रहा है ये ए और बी की वैल्यूज के ऊपर कर रहा है, और ए और बी जो वेरिएबल्स हैं ये प्रिमिटिव डेटा टाइप के वेरिएबल्स हैं। प्रिमिटिव मतलब प्राथमिक, प्राइमरी डेटा टाइप्स, जैसे इंट, कैर, फ्लोट, डबल, दीज आर दी प्राइमरी डेटा टाइप्स। जितने भी ऑपरेटर्स हैं, अगर हम अर्थमेटिक ऑपरेटर प्लस की बात कर रहे हैं, जैसे प्लस ऑपरेटर है, तो ये प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के ऊपर ईजिली बाई डिफॉल्ट डायरेक्टली वर्क कर सकता है ना। इसको अगर हम स्टेटमेंट लिखते हैं तो इसमें कोई भी किसी प्रकार की कोई एरर नहीं है, और इसके लिए हमें कुछ अलग से कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं है। हमें नॉर्मली दो वैल्यूज़ को ऐड करना है तो हम लिख देंगे ए प्लस बी, माइनस करना है तो वी विल राइट ए माइनस बी, है ना, ऐसे अन्य ऑपरेशन के लिए भी। लेकिन एज्यूम करिए कि ए और बी मेरे दो प्रिमिटिव डेटा टाइप ना होके, डेटा टाइप के वेरिएबल्स ना होके ये ऑब्जेक्ट्स होते किसी क्लास के। अब क्लास हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सेकेंडरी डेटा टाइप होता है क्लास। और मान लीजिए कि हमारे पास कोई क्लास है जिसका नाम है सैंपल, और इस सैंपल क्लास के हमारे दो ऑब्जेक्ट हैं s1, s2, चलिए एक ऑब्जेक्ट और है s3, और मैंने ये स्टेटमेंट लिखी, तो यहाँ पे तो स्टेटमेंट वैलिड है, लेकिन यहाँ पे ये स्टेटमेंट इनवैलिड है। क्यों? इसको वैलिड बनाना पड़ेगा, फिलहाल के लिए इनवैलिड है। क्यों इनवैलिड है? ये इसलिए इनवैलिड है क्योंकि जितने भी हमारे ऑपरेटर्स होते हैं वो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के ऊपर डायरेक्टली, प्रिमिटिव डेटा टाइप के जो वेरिएबल्स होते हैं उनके ऊपर डायरेक्टली काम करते हैं, लेकिन जो हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो कि हमारे सेकेंडरी डेटा टाइप के ऑब्जेक्ट्स हैं या आप बोलिए कि वेरिएबल्स हैं, तो ये उनके ऊपर डायरेक्टली काम नहीं करते। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि ये स्टेटमेंट वैलिड हो, क्या करना पड़ेगा कि ये दो ऑब्जेक्ट्स ऐड हो सके, ठीक है। ऐसा इसलिए होता है, पहले कारण समझते हैं कि ये वैलिड क्यों नहीं होता और ये वैलिड क्यों होता है। देखिए, ये वैलिड इसलिए होता है क्योंकि हमें उसकी वैल्यू पहले से मालूम है कि इसके अंदर इंटीजर है, ठीक है ना, या करेक्टर है या फ्लोट है। अब ऑब्जेक्ट s1 इस क्लास की डेफिनेशन के ऊपर निर्भर करता है कि इस s1 के अंदर किस प्रकार की वैल्यू स्टोर हो रही है, और हर एक प्रकार की वैल्यू को अगर आप ऐड करेंगे या माइनस करेंगे तो देखना पड़ेगा कि उस वैल्यू का प्रकार क्या है। तो हमको मालूम नहीं है कि उस वेरिएबल वैल्यू का प्रकार क्या है। एग्जांपल, यहाँ पे हमें मालूम है कि ये ए, बी और सी जो है ये तीनों इंटीजर वैल्यूज, इंटीजर वेरिएबल्स हैं, ठीक है। तो न्यूमेरिकल वैल्यूज के ऊपर एडिशन वेरी इजी, ऑलरेडी प्री डिफाइंड है, ये प्लस का प्लस को बताया हुआ है कि भाई हाँ जी ए और बी को जब हम बीच में प्लस लिखेंगे तो हमारे सिस्टम को पता है कि इन दोनों की वैल्यू का एडिशन करना है। लेकिन ये s1, s2, s3 प्री डिफाइंड नहीं है, ये हम लोगों ने, यानी कि आपने बीइंग अ प्रोग्रामर, हमने इसको डिफाइन किया है। तो इस क्लास सैंपल के अंदर हमने जो वेरिएबल्स लिए होंगे, जो मेंबर वेरिएबल्स लिए होंगे s1, s2 और s3 की, वही डेफिनेशन होगी, उन्हीं को एक्सेस कर सकता है। अब वो सिस्टम को तो पहले से नहीं पता ना कि क्लास सैंपल के अंदर हमने किस प्रकार को, किस प्रकार से क्लास सैंपल को हमने डिफाइन किया है। मतलब
हो सकता है कि इसके अंदर हमने किसी स्टूडेंट का रिकॉर्ड लिया हो, किसी प्रोडक्ट की डिटेल्स ली हो, तो वी हैव टू मेंशन देयर कि हम किनको ऐड करना चाह रहे हैं, राइट? अगर दो स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड है तो उन दोनों को ऐड करके मेरे को क्या मिलेगा? मान लीजिए एक राम का रिकॉर्ड है और एक श्याम का रिकॉर्ड है, उसमें उनका रोल नंबर भी है, एड्रेस भी है, जेंडर भी है, फ़ोन नंबर भी है, मार्क्स भी है, तो उनको मैं ऐड क्यों करवाऊँगा और उनको ऐड करने से मुझे क्या समझ में आएगा? अगर मैं इस तरीके की स्टेटमेंट लिखता हूँ तो इस S1 के अंदर तो होल रिकॉर्ड है जिसमें स्टूडेंट का नाम भी है, उसका एज भी है, जेंडर भी है, कोर्स कोड भी है, मार्क्स भी है, और S2 के अंदर भी सेम है, तो हाउ इट विल ऐड? तो आपको किस चीज़ का एडिशन करना है उस ऑब्जेक्ट के अंदर एडिशन संभव है, लेकिन यू हैव टू डिफाइन इट कि आपको किस चीज़ का एडिशन करना है। जब हम उसको डिफाइन करते हैं तो उसके लिए हम प्लस नाम का एक फंक्शन बनाते हैं और उसके अंदर बकायदा हम कोडिंग करते हैं कि हम किनको ऐड करना चाहते हैं। अगर हम ऑब्जेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट्स को ऐड करवाना चाहते हैं, सब्ट्रैक्ट करवाना चाहते हैं, मल्टीप्लाई करवाना चाहते हैं, देन वी हैव टू मेक इट वेरी क्लियर कि हम किनको ऐड करना चाहते हैं। इन दैट पर्टिकुलर केस हमको प्लस को डिफाइन करना होता है, यानी कि हम एक ऑपरेटर को जो ऑलरेडी पहले से डिफाइंड है हम उसको रीडिफाइन कर रहे हैं, हम उसको एक नया मायने दे रहे हैं कि प्लस आप ये तो काम करते ही हो, अब प्लस आप इसको भी ऐड करोगे, समझ गए? तो जब हम इसको कोडिंग के थ्रू डिफाइन करते हैं तो इसको बोलते हैं ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग का मतलब क्या होता है? अतिरिक्त भार। ठीक, जैसे गाड़ियाँ होती हैं, गाड़ी जाती है तो उसके ऊपर ओवरलोडिंग के चलान हो जाते हैं। ओवरलोडिंग का मतलब है कि उसकी जितनी कैपेसिटी है आप उससे अधिक सामान उसमें कैरी करके लेके जा रहे हैं, ठीक है ना? दैट इज़ एन ओवरलोडिंग। किसी भी चीज़ को ओवरलोड करते हैं तो मतलब अतिरिक्त भार, ओवरलोड कर रहे हैं। सिमिलरली ऑलरेडी प्लस, हमें पता है कि प्लस क्या करता है, सबको पता है प्लस क्या करता है, ऑलरेडी डिफाइंड है इसका मतलब, लेकिन हम इसको रीडिफाइन कर रहे हैं और किसी और प्रकार की वैल्यूज़ और किसी और प्रकार के डेटा टाइप्स के ऊपर भी हम इस प्लस को डिफाइन कर रहे हैं कि आप अब इनके साथ भी काम करिए, तो हम उसको और काम दे रहे हैं, अतिरिक्त भार दे रहे हैं कि आप ये तो काम करते हैं, अब ये भी काम करें, तो दैट इज़ नोन एज ओवरलोडिंग। ठीक है, तो नॉर्मली सी लैंग्वेज में हमने जितने भी ऑपरेटर्स पढ़े हैं उनकी ओवरलोडिंग सी प्लस प्लस में पॉसिबल है। ठीक है, जितने भी हमने ऑपरेटर्स पढ़े हैं उन सब की ओवरलोडिंग यहाँ पर हम ऑलमोस्ट कर सकते हैं, बट कुछ ऑपरेटर्स ऐसे हैं जिनकी ओवरलोडिंग पॉसिबल नहीं है, तो वो भी हम देखेंगे। कंसेप्ट समझ में आया ओवरलोडिंग का? अब किसी भी फंक्शन को जब हम ओवरलोड करते हैं तो उसका जनरल सिंटेक्स क्या होता है, एक बार हम वो देख लेते हैं। मैं इसको यहाँ से रब कर देता हूँ। तो जनरल सिंटेक्स जो होता है वो क्या होता है? वो होता है रिटर्न टाइप। अगर अंदर ही बना रहे हैं तो ऑपरेटर कीवर्ड, सिंबल जिसको ओवरलोड कर रहे हैं, आर्ग्यूमेंट लिस्ट इफ एनी। ठीक है, अब यहाँ पे ये समझ लेने वाली बात है कि ये जो हमारा ऑपरेटर है दैट इज अ कीवर्ड, ये हमारा कीवर्ड है, ये लगेगा जो बता रहा है कि ये जो फंक्शन है ये ऑपरेटर को ओवरलोड करने का फंक्शन है, तो दैट इज अ कीवर्ड। इसको लिखते ही कलर वाइट हो जाएगा और यहाँ पे वो ऑपरेटर आएगा जिसको ओवरलोड कर रहे हैं, ऑपरेटर सिंबल। जैसे प्लस को कर रहे हो तो प्लस, माइनस को कर रहे हो तो माइनस, वगैरह वगैरह। ठीक है, और आर्ग्यूमेंट्स अगर कुछ है तो ठीक, नहीं है तो उसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, ऑप्शनल है। रिटर्न टाइप जो हम देना चाहें, कर्ली ब्रेसेस बंद, बीच में स्टेटमेंट्स यानी कि कोडिंग। ठीक है, तो इस सिंटेक्स को आप नोट कर लेंगे। इसके बाद हम एक एग्जांपल के साथ समझेंगे कि कैसे हम ओवरलोडिंग करते हैं।
ऑपरेटर्स विच आर और कैन नॉट बी ओवरलोडेड. कुछ ऑपरेटर ऐसे होते हैं जिनको हम ओवरलोड नहीं कर सकते, ठीक है. जैसे साइज ऑफ ऑपरेटर होता है, ठीक है, टर्नरी ऑपरेटर होता है, ठीक है. इसके अलावा एक्सेस टू पॉइंटर ऑब्जेक्ट, इनको ओवरलोडिंग हम नहीं कर सकते, ठीक है. अब हम सबसे पहले यूनियरी ऑपरेटर प्लस प्लस, यानी कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर, हमें पता है प्लस प्लस क्या करता है, बाय वन से इंक्रीमेंट करता है, इसकी ओवरलोडिंग करके देखते हैं. अब जब हम यूनियरी ऑपरेटर प्लस प्लस की ओवरलोडिंग करते हैं तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि इसमें चाहे प्लस प्लस पहले लिखिए या बाद में लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है. तो यहाँ पे हमारे पास प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स का कंसेप्ट नहीं है, ये नॉर्मल हम प्लस प्लस ऑपरेटर की ओवरलोडिंग कर रहे हैं. और कैसे करेंगे इसको हम एक प्रोग्राम के थ्रू देखेंगे, फिर मैं इसका एक एग्जांपल भी अलग वीडियो में, सेपरेट वीडियो में डाल के प्रोग्राम को रन करके भी हम देखेंगे कि कैसे प्रोग्राम रन भी होता है. पहले अभी मैं बोर्ड पे ही बता रहा हूँ कि कैसे हम इसका प्रोग्राम डिज़ाइन करेंगे. आईओस्ट्रीम और कोनियो इंक्लूड करी, क्लास बनाई हमने मान लीजिए यूनरी नाम से, और प्राइवेट के अंदर हमने एक वेरिएबल ले लिया लेट से एक्स. पब्लिक के अंदर हम एक फंक्शन बनाते हैं, एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं पहले, और यहाँ पे एक्स की वैल्यू हमने जीरो कर दी बाय डिफॉल्ट. ये डिस्ट्रक्टर बना रहे हैं, और इसकी डेफिनेशन हम कुछ देना चाहे तो ठीक है, नहीं देना चाहे तो कोई बात नहीं, ठीक है. तो आप इसको ब्रैकेट्स को नीचे भी बंद कर सकते हैं, खोल सकते हैं, मैंने साथ में कर दिया, दैट इज ओके. अब मैं यहाँ पर एक फंक्शन बना रहा हूँ void get data, जिसमें मैं x की वैल्यू मेन प्रोग्राम से पास ऑन करूँगा और वो x में जाके स्टोर हो जाएगी लाइक दिस, ठीक है. इसके बाद अब हम एक फंक्शन बनाते हैं शो डेटा, और जिसमें हम x की वैल्यू को डिस्प्ले करवाएंगे, वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू x, ठीक है. अब हमने कंस्ट्रक्टर बना दिया, डिस्ट्रक्टर बना दिया, हालांकि ये कोई मैंडेटरी नहीं है, इसको स्किप भी कर सकते हैं. गेट डाटा बनाया, शो डाटा बनाया. अब बारी है हमारे मेन कंसेप्ट की, हमें बनाना है प्लस प्लस ऑपरेटर के ओवरलोडिंग का फंक्शन. कैसे बनाएंगे, जैसे सिंटेक्स बताया है, रिटर्न टाइप, कोई रिटर्न वैल्यू नहीं है हमारे पास, तो हम लगाएंगे void ऑपरेटर कीवर्ड operator, और जिसको ओवरलोड करना है वो सिंबल प्लस प्लस को ओवरलोड करना है, और प्लस प्लस क्या करता है, एक सी वैल्यू और नॉर्मली बढ़ाता है. और उसके बाद हमने ये फंक्शन बंद करके यहाँ पे क्लास को क्लोज कर दिया, बंद कर दिया, ठीक है. अब यहाँ पे क्लास बंद होने के बाद हम बनाएंगे मेन प्रोग्राम, और मेन प्रोग्राम में हमने यूनरी क्लास के ऑब्जेक्ट बनाने हैं. हमने अभी एक ही ऑब्जेक्ट बनाते हैं, यूनरी का ऑब्जेक्ट बनाया यू, तो कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, और एक्स की वैल्यू कितनी कर देगा, जीरो, राइट. कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, कंस्ट्रक्टर कब कॉल होते हैं, जैसे हमारा ऑब्जेक्ट डिक्लेयर होता है वैसे हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल होता है. ये कौन से कंस्ट्रक्टर का एग्जांपल है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का एग्जांपल है, क्योंकि इसमें कोई पैरामीटर नहीं है, और कॉपी कंस्ट्रक्टर का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है यहाँ पे. तो अभी हमने सिर्फ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया है जिसने एक्स की वैल्यू जीरो कर दी. आप चाहें तो उसकी वैल्यू कुछ और भी रख सकते थे. इसके बाद हमने यहाँ पे यू डॉट गेट डेटा वैल्यू भेजी 5. अब ये फंक्शन क्या करने वाला है, ये गेट डेटा नाम के फंक्शन को कॉल करेगा विद आर्ग्यूमेंट 5. 5 जाएगा ए में, और ए से मेरे, ए मेरा टेम्परेरी वेरिएबल है जो 5 को होल्ड कर रहा है, और वहाँ से मेरे ओरिजिनल मेंबर वेरिएबल एक्स के अंदर वैल्यू कॉपी हो रही है. दैट इज यहाँ पे क्या आ जाएगा, पहले 0 था, 5 आ गया, ठीक है.
If I print this, then I write u dot show data. Then it will print value of x equals to 5. Then answer will be value of x is equals to 5. ये print हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद मैंने लिखा u dot operator plus plus. Now this is very important point to understand. I write u dot operator plus plus is just like I call u dot get data and u dot show data. You have to understand very clearly कि किसी member function को जब हम call करते हैं तो हम object का name और dot लगाते हैं, right? तो जैसे get data को call किया, show data को call किया, ऐसे ही हमारा get data, show data और operator plus plus. ये तीनों मेरे member function हैं क्योंकि class के अंदर बनाए गए हैं. यहाँ पे this is the end of class. तो क्लास के अंदर बनाए गए हैं तो कॉल करने का मेथड भी सेम होगा u dot operator plus plus then our control reach at here और x की वैल्यू जो u ऑब्जेक्ट के लिए x की वैल्यू थी 5 थी कितनी कर देगा 5 plus 1 6 ठीक है ध्यान रखिए भीतर उसके लिए काम होगा जिसके थ्रू फंक्शन कॉल हो रहा है आपने u dot get data किया तो ये x किसके लिए वैल्यू 5 सेट कर रहा है ऑब्जेक्ट u के लिए क्योंकि उसी के थ्रू काम हो रहा है जो ये वेरिएबल होगा वो किसी ऑब्जेक्ट से ही एसोसिएटेड होगा अकेला एक्स कुछ नहीं है राइट एक्स की वैल्यू जो जीरो हुई थी वो कब हुई थी जब मैंने ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया था अगर मैं ऑब्जेक्ट डिक्लेयर नहीं करूंगा तो एक्स की वैल्यू जीरो होगी नहीं होगी ठीक है अब मैंने यू डॉट शो डाटा किया तो यहां पर तो मैंने ऑब्जेक्ट का नेम नहीं लगा रखा ना कि किस ऑब्जेक्ट की वैल्यू प्रिंट करनी है तो इसको कैसे मालूम चलेगा कि एक्स की वैल्यू 5 ही प्रिंट करनी है क्योंकि ये किस ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल हुआ है फंक्शन यू के थ्रू कॉल हुआ है तो भीतर जो भी काम होगा वो जिस ऑब्जेक्ट के थ्रू फंक्शन कॉल होता है उस ऑब्जेक्ट के लिए ही काम होता है भीतर किसके लिए काम होता है जिस ऑब्जेक्ट के थ्रू ये फंक्शन कॉल हुआ है उस ऑब्जेक्ट के लिए ही भीतर काम होगा तो एक्स की वैल्यू 5 प्रिंट हो गई अब यू डॉट ऑपरेटर प्लस प्लस किया तो एक्स की वैल्यू 6 हो गई राइट अब मैंने यू डॉट शो डेटा किया नाउ यू विल सी के आउटपुट आएगा वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल्स टू 6 ठीक है उसके बाद मैंने गेट सीएस लगाया और प्रोग्राम कर दिया क्लोज्ड ठीक है और दैट्स इट हमारा प्रोग्राम खत्म हो गया तो ये हमारे ऑपरेटर ओवरलोडिंग का एक एग्जांपल है लेकिन यहां पर एक क्वेश्चन है क्या क्वेश्चन है कि भाई अगर हमें ऐसे ही कॉल करना है तो इतना तामझाम ऑपरेटर प्लस प्लस ऑपरेटर ओवरलोडिंग इन सब की क्या आवश्यकता है नॉर्मली हम यहाँ पे फंक्शन का नाम रख देते हैं ऐड और यू डॉट ऐड कर देंगे तो हमारा काम तो तब भी हो रहा है तो फिर हम ये तामझाम क्यों कर रहे हैं ये ऑपरेटर प्लस प्लस इसका ध्यान रखना ऑपरेटर कीवर्ड है फिर सिंबल जिसको ओवरलोड कर रहे हैं क्यों ठीक है देखिए जब भी हम कोई ऑपरेटर के ओवरलोडिंग करते हैं तो उसका पर्पस मैंने आपको बताया था क्या कि जितने भी हमारे ऑपरेटर्स होते हैं वो प्रिमिटिव डेटा टाइप के वेरिएबल्स के ऊपर डायरेक्टली काम करते हैं लेकिन सेकेंडरी डेटा टाइप्स जैसे क्लास का जो ऑब्जेक्ट है उसके लिए ये काम नहीं करेंगे उसके लिए हमें फंक्शन बनाना पड़ता है तो ये हमने फंक्शन बना दिया लेकिन कॉल करने का तरीका अगर इसी तरीके से करना है तो फिर हम ऐड फंक्शन ही बना दें है ना नहीं हम ये तरीका नहीं लिखेंगे हालांकि ये तरीका सही है लेकिन हम ये तरीका नहीं लिखेंगे हम इसकी जगह लिखेंगे यू प्लस प्लस ओनली सिस्टम इसकी जगह आप लिखेंगे ये और सिस्टम इसको इसके रूप में इंटरप्रेट करेगा इंटरनली जो सी प्लस प्लस है वो यू प्लस प्लस की जगह पे यू डॉट ऑपरेटर प्लस प्लस इंटरप्रेट करेगा इंटरनली आपने लिखना है यू प्लस प्लस अब पोस्टफिक्स प्रीफिक्स का यहां पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जैसे मर्जी लिख सकते हैं मैं आपको बता रहा हूं यू प्लस प्लस तो यू प्लस प्लस का मतलब क्या है कि आप प्लस प्लस मतलब यू में एक इंक्रीमेंट करना चाह रहे हो ठीक है अगर आप ये फंक्शन नहीं बनाते हैं और आप यू प्लस प्लस लिखते हैं तो एरर आ जाएगी क्योंकि कोई भी ऑपरेटर हम सेकेंडरी डेटा टाइप के वेरिएबल्स यानी कि जैसे क्लास का ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर हम कोई भी ऑपरेटर अप्लाई नहीं कर सकते कोई भी ऑपरेटर उनके लिए फंक्शनिंग परफॉर्म नहीं करेगा ठीक है अगर आपको ये ऑब्जेक्ट के साथ जो प्रिमिटिव जैसे ए प्लस प्लस करते हो बी प्लस प्लस करते हो ऐसे आपको ऑब्जेक्ट प्लस प्लस करना है तो आपको प्लस प्लस नाम का फंक्शन
क्रिएट करना पड़ेगा, तो हमने वो क्रिएट किया, तो दैट इज द ऑपरेटर ओवरलोडिंग कॉन्सेप्ट। तो आप ये नहीं लिखेंगे, आप ये लिखेंगे, अगर आप दोनों लिख देंगे ना तो दो बार कॉल हो जाएगा और यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लास्ट 7 हो जाएगी। इसलिए आप ये गलत नहीं है, ठीक है। ये मैं आपको इंटरनल रिप्रेजेंटेशन बता रहा हूं, प्रैक्टिकल भी बताऊंगा मैं आपको ऑलरेडी कि ये भी चलेगा और ये भी चलेगा, लेकिन हम इस तरीके से ना लिख के इस तरीके से लिखेंगे क्योंकि हम यही अचीव करना चाहते हैं। हम ऑब्जेक्ट के साथ कोई ऑपरेटर अटैच करना चाहते हैं, हम ऑपरेटर को हम ऑब्जेक्ट के साथ उसी तरीके से काम करना चाहते हैं ऑपरेटर के संग मिला के, जैसे हम किसी नॉर्मल वेरिएबल प्रिमिटिव डेटा टाइप के वेरिएबल के साथ करते हैं। तो इट इज़ पॉसिबल, बट मेक श्योर कि हमें उस प्लस प्लस को बताना पड़ेगा कि हम किसको प्लस प्लस करना चाहते हैं। मान लीजिए यहाँ पे एक्स वाई जेड होता और मैं केवल एक्स को करना चाहता हूँ, तो केवल एक्स ही पड़ेगा, वाई जेड नहीं पड़ेगा, राइट? तो वो आपकी अपनी कॉल है, आपकी अपनी कोडिंग है, आप क्या देते हैं। तो हमने यू प्लस प्लस दिया तो मेरा कंट्रोल ऑटोमेटिकली यहाँ जाएगा, एक्स की वैल्यू 5 के बाद 6 कर देगा, यू डॉट शो डाटा। अब इसके बाद मान लीजिए मैं दोबारा से लिखता हूँ यू प्लस प्लस, फिर यू डॉट शो डाटा करता हूँ, तो अब कितनी वैल्यू हो जाएगी, अब हो जाएगी जी 7, ठीक है, अब हो जाएगी 7 और अब 7 प्रिंट हो जाएगा, वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल्स टू 7। अगर आप कोई और ऑब्जेक्ट लेते हैं, मान लीजिए यू की जगह आपने कोई ऑब्जेक्ट और ले लिया, U1 ले लिया, U2 ले लिया, तो आप उनकी वैल्यू भी डेटा के थ्रू सेट कर सकते हैं, फिर उनको भी U1++ या U2++ करके उस ऑब्जेक्ट की वैल्यू में 1 से इंक्रीमेंट कर सकते हैं, ठीक है, ये क्लियर है बात। तो मेन प्रोग्राम से आपने प्लस प्लस का बटन दबाया और आपकी एक वैल्यू इंक्रीज हो गई, एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू इंक्रीज हो गई, ठीक है। अब भीतर आप कोडिंग ऑब्वियसली प्लस प्लस की करेंगे, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे माइनस कर देता हूँ तब क्या होगा, क्या कोई एरर है, बताइए, कोडिंग करके देखिएगा, एरर नहीं आएगी, लेकिन क्या होगा देखिएगा, ठीक है। चलिए फिलहाल मैं प्लस कर देता हूँ, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना, अभी हमने ये टॉपिक शुरू किया है, इसके और बड़े सारे क्वेश्चंस हैं वो करके देखेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, थैंक यू।